So study what we did, that introduction of micro versus macro. Okay, microeconomy means it is a small part, while the macro it is a large. Micro word concept also is derived from Latin American Greek word, which is that micro, M-I-K, micro M-I-C, but the Greek word is the micros, M-I-K-R-O-S. And the macro, it is a macros, M-A-K-R-O-S. A macro means large, okay? So micro means the small, and macro means large. Now we will go to the definition of microeconomics. I will give you two definitions, okay? Now, at least one definition compulsory aapko bahar karna hai. Dono ki hai to best, but one is the compulsory. So in the textbook, I will give you the WhatsApp message image numbers ka, because ye bahut bada textbook nahi hai at the moment. So first, Rucho, according to Professor K.E. Boulding, according to Professor K.E. Boulding, Professor K.E. Boulding, Kenneth Boulding, Rucho, okay? Microeconomy is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industry, and particular commodity. What is that? Microeconomy is the study of particular firm, particular firm. So microeconomy किसकी study करते हो? करता बच्चों? कल हमने पढ़ी थी particular के लिए. पर्टिकुलर फर्म देखिए एंड नंबर ऑफ फर्म बच्चों क्या सारे फर्म बिजनेस जो करते हैं वो लोग का क्या काम करने का तौर तरीका एक ही है क्या सब में एक ही जैसा प्रोडक्शन होता है नो तो हर एक फर्म का बिजनेस करने का स्टाइल उनके प्रोसेस सब डिफरेंट रहेगा सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द ईच एंड एवरी ओके बच्चों पर्टिकुलर फर्म ओके पर्टिकुलर हाउस होल्ड हाउसहोल्ड मतलब घर बच्चों अब हर एक का घर का रहन सहन अलग अलग है अलग लोग क्लास में बैठेंगे तो ऑफिशियली बैठेंगे लेकिन घर में आशीष भारद्वाज गुटका है वो कटोरे में खाना खा लेगा ना अंकित है वो चाय पीता है थाली में सो घर में अपना अपना स्टाइल है एवरी हाउस होल्ड का रहन सहन खान पान सब कुछ डिफरेंट है बच्चों दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड ईच एवरी हाउस होल्ड के उनके लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग डिफर आ रहे स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर फर्म पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइजेस ईच एवरी प्रोडक्ट का प्राइस भी बच्चों अलग अलग हर एक प्रोडक्ट के मटेरियल अलग है प्रोडक्ट की प्राइस तो उसका क्वालिटी और प्राइस भी क्या होगा बच्चों डिफर रहेगा दैट इज इंडिविजुअल प्राइजेस Then wages and income. Is the each every worker having the same wages? क्या सारे worker लोगों का पगार एक है बच्चों? No, अलग अलग. हर एक आदमी का आमदनी एक जैसा है? No, it is different. क्योंकि अभी आप considering the micro, तो micro का focus क्या है? Each and every individual, particular, single. ठीक है बच्चों? So wages and income. Then individual industry. इंडिविजुअल इंडस्ट्री पार्लेज इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री रेमंड इंडस्ट्री टाटा कंपनी तो हर एक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट है उनके काम करने का तरीका डिफरेंट है बच्चों वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी ऐसा नहीं मैं कह रहा टाटा कंपनी में स्टडी कर लिया तो पूरे इंडिया की कंपनी स्टडी हो नो इंडिया लैक्स ऑफ कंपनी है और हर एक कंपनी के काम करने के स्टाइल डिफर है ओके तो वी हैव टू गो फॉर अ माइक्रो इकोनॉमी ओके एंड देन पर्टिकुलर कमोडिटी कमोडिटी मतलब तो प्रोडक्ट कमोडिटी मीन्स प्रोडक्ट तो हर एक प्रोडक्ट के भी अगेन क्वालिटी एंड डिजाइन डिफर सो अकॉर्डिंग टू क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के ई होल्डिंग माइक्रो इकोनॉमी स्टडी
माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइजेस वेजेस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के ई गोल्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइजेस वेजेस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइस वेजेस और इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी सो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर का मतलब क्या था बच्चों सिंगल हर एक फॉर्म को मुझे अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा पर्टिकुलर हाउस होल्ड ईच एंड एवरी घर के रहन सहन अलग है तो यू हैव टू स्टडी डिफरेंटली इंडिविजुअल प्राइजेस ईच एवरी प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट होता है ईच एवरी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंट है देन यू हैव टू स्टडी ऑल ओके दैट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ बच्चे रहेंगे सर अंग्रेज लोग का नाम तो एक ही जैसा रहता है बोल्डिंग होल्डिंग गोल्डिंग कुछ लिख देंगे ना नो ये नाम आपको ऑथर का याद रखना है प्रोफेसर के ई बोल्डिंग ओके चलो चलो ये था क्या अपना फर्स्ट डेफिनेशन क्या क्या मैं फिर से बोल देता हूँ पीएच पीएफ क्या बच्चे पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइजेस डब्ल्यू क्या है वेजेस उसका क्या बच्चा है आई आई मीन्स इनकम आई आई इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड फाइनली पीसी क्या है पर्टिकुलर कमोडिटी बच्चों ओके सो माइक्रो इकोनॉमी स्टडी आपको कैसे आंसर बोलना पूरा ये नहीं बोला आंसर यहां से बोलना है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के ई गोल्डिंग माइक्रो इकोनॉमी स्टडी अबाउट पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइजेस वेजेस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी क्या बच्चों सेकंड डेफिनेशन बच्चों ऐसे ऑलरेडी देयर टू डेफिनेशन आई विल गिव यू अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मॉरिस डॉग माइक्रो इकोनॉमी इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ थिंग माइक्रोस्कोपिक क्या होता है बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग हर एक चीज बारीक से बारीक देखते हैं तो लाइट बॉय का एड अजय देवगन का काजल जम्स नहीं है इसके अंदर लेंस देख के उस पर देखा बहुत सारे जम्स है तो माइक्रोस्कोपिक का काम ही क्या है एकदम सूक्ष्म अध्ययन करना मीन्स हर एक चीज को बारीकी से अध्ययन ज्वेलरी लोग ज्वेलरी को एकदम बारीकी से परख करते हैं वैसे दैट इज अबाउट माइक्रोस्कोपिक ओके सो मॉरिस डॉग क्या होता है सिंपल वर्ड होता है माइक्रो इकोनॉमी का काम ही है हर चीज को बारीकी से स्टडी करो ईच एवरी अब बारीकी से स्टडी करने के मान लो तो 60 बच्चों का क्लास है अगर आज के जैसे देख लो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो क्यों इतना कम होते जा रहा है ना मैं टीचर के बारे में मैं भी खुद हूँ तो भी मालूम है 60-70 बच्चे क्लास में बच्चों और 60 बच्चे हैं 35 मिनट का पीरियड है तो आप सोच लो एक बच्चे पे आधा मिनट पड़ता है आधा मिनट को क्या देखेंगे इसलिए तो आज के बच्चे लोगों का हैंडराइटिंग देख लो स्कूल में 8वीं 9वीं पहुंच जाते हैं उनकी हैंड राइटिंग आजकल छोटे छोटे बच्चों का क्या हो रहा है द रीजन इज बिहाइंड पहले होता था सुलेख लिखते थे बच्चे लोग सुलेख लिखते थे बाद में सर लोग क्या करते उसको कॉपी चेक करते थे राउंड करते थे क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स है आज ये सब कुछ नहीं होता है ना दैट इज द रीजन बिहाइंड क्योंकि हम एक एक बच्चों पर एकदम इतना फोकस अब नहीं कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कुछ क्लासेस में 70-80 बच्चे रहते हैं ना बच्चे एक एक बैच के अंदर बैठे हैं ओके सो नॉट पॉसिबल 40 मिनट का कॉलेज ले लो 120 बच्चे 130 बच्चे कॉलेज के क्लास में रहते हैं मतलब डिवीजन में बच्चों ओके सो माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है स्टडी इन द डिटेल ओके अभी आप लोग न्यूज सुन रहे हो न्यूजीलैंड कोरोना पे विजय पा लिया है न्यूजीलैंड की आबादी कितने है बच्चों वाला 32 लाख ओके और यहाँ बॉम्बे की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है बच्चों ऑन द रिकॉर्ड 2 करोड़ से ऊपर है ऑफ द रिकॉर्ड 2 करोड़ से कितना आगे नहीं मालूम है
तो 32 लाख की आबादी उधर पूरे देश का है और यहाँ पे हमारी मुंबई की आबादी 2 करोड़ है, तो ये भी कंसीडर करना पड़ता है। दैट इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब होता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बच्चों। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉग माइक्रो इकोनॉमी इज इन फैक्ट द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को बारीकी से अध्ययन करना, दैट इज ऑल अबाउट। ओके, तो इट इज स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कहता है बारीकी से एकदम गहन अध्ययन करना, डिटेल स्टडी इन डिटेल, दैट इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये दो डेफिनेशन है बच्चों, मैं तो चाहूंगा कि आप दोनों डेफिनेशन रेडी करो, ऐसा मत सोचना कि सेकंड डेफिनेशन बहुत छोटा सा जल्दी कर लो छोटा कर लेते, नो, यू हैव टू स्टडी बोथ। लेट्स बच्चो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रचार है। देयर आर थ्री स्कोप, फर्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड द लास्ट वन है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, क्या बच्चों थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड देन इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन बच्चों हाउ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ ईच एवरी कमोडिटी, तो हर एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का प्राइसेस क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग बच्चों। तो देखिए टू वर्ड, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, कभी भी समटाइम क्या होता है मार्केट में डिमांड कितना है, जैसे अभी मान लो डिमांड कम है, जब लोग खरीदेंगे नहीं तो दुकानदार बनाएगा कैसे, क्या इंडिया का एक सर्कल है, जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड ज्यादा आएगा। अब जब डिमांड ज्यादा, जैसे मान लो अभी बच्चों अभी इस बार गणपति फेस्टिवल से है, ओके ना, अब बहुत सा गणपति फेस्टिवल में जो देखते हो ढोल डीजे इन बेचारों का इनकम होता है, बट इस बार डिमांड कम होने वाला है तो लोगों का इनकम नहीं होगा ना, तो दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड इज अ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड ऑलवेज सो क्या होता है कंज्यूमर का बिहेवियर, हर एक कस्टमर क्या चाहता है सस्ता मिलना चाहिए, तो जब सस्ता मिले तो कंज्यूमर विल डिमांड मोर, लेकिन प्रोड्यूसर क्या चाहता है सप्लाई, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर मतलब सप्लायर मैन्युफैक्चरर। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, मान लो अगर अभी मोबाइल सैमसंग का मोबाइल ले लो या किसी नोकिया का मोबाइल ले लो, 2000 रुपए का स्मार्टफोन अगर मिलने लगे सस्ता हो जाएगा, चलो पब्लिक तो बहुत खुश है 2000 का सस्ता है, लेकिन दुकानदार क्या सोचता है कि मैं वो प्रोडक्ट बेचूं जिसमें मुझे मार्जिन ज्यादा मिलना चाहिए, मार्जिन मतलब बच्चों जो दुकानदार वो डिस्कस करते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना। अभी 2000 का पीस बेच रहा हूँ और वो 1950 रुपए का मैं खरीदता हूँ और 2000 बेचता हूँ, 50 रुपए मुझे प्रॉफिट होगा एक पीस पे। अब वो एक पीस कब बिकेगा, 10 दिन में, 5 दिन में, कितने दिन में बिकेगा, इस पे 50 रुपए मार्जिन है। दूसरा प्रोडक्ट बच्चों 5000 का है और दुकान से मैं 1000 में खर्चा करता हूँ, 4 का खरीदता हूँ 5 में बेचता हूँ 1000 रुपए में, यानी ये पीस बेचने पर मुझे खाली 50 रुपए मिलेगा और ये पीस बेचने पर मुझे 1000 रुपए मिलेगा, क्या बताओ। कस्टमर को तो ये पसंद है क्योंकि ये सस्ता है, लेकिन दुकानदार ये रखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर उसको मार्जिन क्या है कम मिलेगा, मार्जिन किस पर ज्यादा मिलेगा उसको, उसको यार ये वाले प्रोडक्ट क्योंकि 1000 रुपए ज्यादा मिलेगा, दैट इज वाला प्रोड्यूसर ऑल ऑलवेज ट्राई करता है कि जो ज्यादा महंगा हो और ज्यादा उस पर प्रॉफिट हो देन प्रोड्यूसर भी उसका वो सप्लाई करेगा। जो चीज सस्ता है, जैसे बच्चों अभी एग्जांपल है, पतंजलि ने कोरोना का दवा बना लिया है, लेकिन देख रहे हो मार्केट एकदम या मीडिया में एकदम शांति छाया हुआ है, उसके पीछे रीजन है बच्चों, जो अंग्रेजी दवाइयां है हमारे 90% डॉक्टर लोग तो इंग्लिश दवाई वाले हैं और इंग्लिश कंपनियां दवाई के, उनका 3 लाख करोड़ से ऊपर का उनका बिजनेस है पूरा इंडिया में, 3 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। अब इतना बड़ा मार्केट है, वो चाहेगा कि उनका मार्केट बंद हो जाए, तो क्यों आ रहे वो आयुर्वेदिक दवाइयों को स्टार्ट करेंगे, जबकि हमारे देश में आयुर्वेदिक दवा अगर चाहे उसको तो जेनरिक दवाइयां होती है, जेनरिक दवाइयां सस्ता पड़ता है। आप लोग जेबी नगर के सर्कल के जेनरिक दवाई का स्टोर है, आप जाके देखो, वही दवा आप यहाँ लो नॉर्मल मेडिकल में
और वहां जाके लो, आपको 10-12 रुपए का फर्क पड़ेगा नॉर्मल दवा में। इसका मतलब सस्ता है देश का चीनी, लेकिन दुकानदार को सामान नहीं रखे क्योंकि उसमें प्रॉफिट उसको कम मिलेगा। ओके यार, तो कस्टमर कौन सा, कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, जो चीज सस्ता हो। लेकिन प्रोड्यूसर कौन सा सामान सप्लाई कर रहे हैं जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो यानी महंगा हो। ठीक है बच्चों, ये था प्रोडक्ट पर। तो माइक्रो थ्योरी क्या करता है, कस्टमर के बिहेवियर। अब क्या होता है बच्चों इसके अंदर, अब महंगा रख दोगे तो कस्टमर लेगा नहीं, एकदम सस्ता रहेगा तो दुकानदार ले जाएंगे। इसलिए एक ऐसा प्राइस रखना है जहाँ पे कस्टमर और सप्लायर, दैट इज व्हाट डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर। तो जब अब प्राइस वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इसके बोलते जो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों का एनर्जी सेम। दुकानदार वाला 20 रुपए, कस्टमर ने कम करो ना 15 रुपए आप बोल रहे हो, कस्टमर ने क्या करोगे 15 रुपए छोड़ के भाग के लेकर आएगा सामान? नो, वो 20 पे अटका रहा 15 पे अटक्यो। तो दुकानदार बोला ठीक है भाई 19 में ले लो, आप उन्होंने 19 नहीं 17 रुपए। तो एक ऐसा प्राइस आना चाहिए जहाँ पे कस्टमर और सप्लायर सेलर दोनों क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, उसके बोलते बच्चों इक्विलिब्रियम प्राइस, अ प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो कस्टमर जितने में डिमांड कर रहा है उतने में सप्लाई भी अगर होता है उसको वर्ड क्या होता है लोग इक्विलिब्रियम। ये स्टडी किससे होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, ये था प्रोडक्ट प्राइसिंग। ना फैक्टर प्राइसिंग, कल मैंने बोला था फैक्टर्स, फैक्टर प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड होता है ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्स जमीन है बच्चों। अब मान लो अगर पाइपलाइन में जमीन भाड़े पे ले रहा हूँ मैं रूम दुकान के लिए क्लास के लिए, तो मान लो 8,000-10,000 का भाड़ा है, और अगर और आगे जाओगे तो 15,000 भाड़ा। जेबी नगर जाओगे तो बच्चों वहाँ 40,000-50,000-60,000 रुपये भाड़ा रहेगा, और मैं चरनी रोड मरीन लाइन से उस साइड जाऊंगा तो और भाड़ा रहेगा। इसका मतलब लोकेशन और डेवलपमेंट के हिसाब से क्या चार्जेस अलग अलग रहेगा। ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड लैंड का रेंट अलग अलग है। कुछ लोग सुनते रहे नाला सुपारा में सर 1,000 रुपये में रेंट में रूम मिल जा रहा है, मिल जाएगा क्योंकि वहाँ का लोकेशन अलग है। ओके, लेबर, तो लेबर को क्या है वेजेस, ये रिवार्ड है बच्चों। कैपिटल हम बैंक से लोन ले उसको क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर मैनेजर था उसको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स प्राइसिंग। तो और माइक्रो इकोनॉमिक क्यों, ईच एवरी लाइन का रेंट क्या है डिफरेंट, ईच एवरी लेबर का वेजेस क्या होगा डिफर, हर एक बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या सेम है, नो इट इज डिफरेंट बच्चों, और हर एक एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट मार्जिन भी सेम नहीं है। ओके, दैट नोन एज अवर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बच्चों। ओके, एंड द लास्ट वन है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेलफेयर। वेलफेयर मतलब बच्चों समाज सेवा, इसमें थी पॉइंट है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। हर एक बिजनेसमैन को चाहिए कि जो भी आपके रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करे बच्चों। ओके, जिस कंट्री में भी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज होगा वो कंट्री ज्यादा डेवलप होगा। इंडिया में रिसोर्सेज क्यों नहीं यूज, रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास। ओके, बहुत जनते बहुत सारे बिल्डर लोग क्या करते हैं खाली जमीन लेके छोड़ देते हैं और वो बनाएंगे नहीं। मतलब 2020 बच्चों, अब 2000 में जमीन ले लिए, जमीन का एग्जाम्पल ले लेते रेट है 15 लाख रुपए, लेकिन लोग जमीन लेंगे लेकिन वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर बनाएंगे तो अभी पब्लिक को 15 लाख में बेचना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, जमीन 2015 में 2020 के में ले लिए और उसको 2035 में लोग डेवलप करेंगे। अब आप सोचो 2035 में क्या आएगा, 15 लाख का जमीन जो 2020 में लिए थे वो 2035 में अमाउंट हो जाएगा 70 लाख 80 लाख हो जाएगा, अब तब बेचेंगे। दैट्स वाइज इन इंडिया में सब करप्शन एंड ऑल दैट इज का इकोनॉमी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मींस मैक्सिमम प्रोडक्शन करो विद अवेलेबल रिसोर्स, आपके जो भी रिसोर्स है उसका ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, तब वेलफेयर होता है। एफिशिएंसी इन कंज्यूमर, हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है, आप अगर 10 रुपए का कोई सामान खरीदे अब जैसे उसका फायदा उठाओ, कभी जूता चप्पल लेने के लिए पापा के साथ गए हो कभी,
तब देखोगे अगर पापा के साथ गए तो जूते को ऐसा मोड़ मार के ऐसा देखते ऐसा लगता है कि पूरा तोड़ने वाले है जूता पूरा, क्योंकि उनको उनको लगता है कि मैंने पैसा दिया हूँ उसका वैल्यू निकलना चाहिए अपने को। आजकल के बच्चे नहीं, वो फैशन के हिसाब से, वो डिजाइन के हिसाब से लेते हैं पैंट्स। कभी भी खासकर मम्मी नहीं, पापा खासकर जाएंगे तो हमेशा आ उनकी, उनको यूसा चाहिए, उसका फायदा चाहिए अपने को, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो हर एक कंज्यूमर एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, मतलब एवरी कंज्यूमर चाहता है कि अगर मैं 10 रुपये लगाया हूँ तो कम से कम उसका 10 रुपये का फायदा अपने को रिटर्न आना चाहिए। सोचो। एंड लास्ट वन है एफिशिएंसी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लायर और मैन्युफैक्चर वही प्रोड्यूस करता है जो कंज्यूमर का डिमांड है। बच्चों आप देख रहे हो चावल गेहूं का दुकान बंद होते जाएगा लेकिन मोबाइल स्टोर हर 10 कदम पे आपको मिल जाएगा, क्यों? ये डिमांड है। के? अगर मान लो अगर बॉलीवुड ले लो, अगर मैं बॉलीवुड में बोलूं उमेश से पिक्चर बनाने वाला है जय मां संतोषी, बना भी लूंगा बच्चों के साथ, मैं खुद डायरेक्टर हूँ, हो सकता है मेरे परिवार वाले में कोई अगर जाके और देखे अगर देखे ना तो वो भी नहीं देखेंगे क्योंकि कस्टमर का डिमांड नहीं। तो कस्टमर जो डिमांड कर रहा है इसलिए देखते हो पिक्चर वही बनते हैं जो कस्टमर का डिमांड है। बाद में बोले भाई बच्चे को खराब हो रहे, बच्चे खराब नहीं हो रहे, लोगों को डिमांड वही है इसलिए वो लोग बनाएंगे। अब डिमांड करो तो वो नहीं बनाएंगे। पिज्जा बर्गर का डिमांड हो रहा है इसको बना दो। तो ये होता है एफिशिएंसी इन डायरेक्ट प्रोडक्शन, मींस द प्रोड्यूस दोज गुड्स व्हिच आर डिजायर्ड बाय द पीपल, लोगों की जरूरतों के हिसाब से गुड्स बनाओ। जगह जगह देख रहे हो मेट्रो ट्रेन बनते जा रहा है, गांव साइड पे मेट्रो बन रहे बड़े बड़े, मतलब यूपी बिहार में, गांव बोलो यूपी बिहार में, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे डिमांड आ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा चेंज हो रहा है, लोगों को कंफर्ट चाहिए। तो लोगों को पहले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लोग पैदल चले जाते थे, अब 1 किलोमीटर भी जाने के लिए नहीं सोचते लोग। व्हाई? बिकॉज़ पीपल आर डिजायरिंग द गुड्स। क्यों बच्चों? इसका मतलब इकोनॉमी वही प्रोड्यूस करता है जो मार्केट में लोगों का डिमांड होता है। इसको वर्ड बोलते थ्री ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, इन दैट थ्री पार्ट है एफिशिएंसी प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए किसको बच्चों? कंज्यूमर्स को। एंड फाइनली एफिशिएंसी डायरेक्शन प्रोडक्शन मींस ओनली प्रोड्यूस दो आइटम विच इज डिमांडेड, लोगों की जो जरूरत है उसके हिसाब से बनाओ प्रोडक्ट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बच्चों, इसको आप दोनों को रेडी करोगे डेफिनेशन एंड स्कोप, तुम्हारा हम लोग देखेंगे फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है बच्चों।